नमस्कार किसान भाइयों, मैं निखिल त्रिपाठी लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हर बार हम आप सबके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, उसी तरह हम आज फिर से हाजिर हैं आप सबके लिए बहुत कुछ खास लेकर। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात करेंगे एप्पल बेर की खेती के बारे में। बेर लगभग सबने खाया है और देखा भी होगा, लेकिन एप्पल जैसे आकार और खाने में बेर का स्वाद ये शायद पहली बार ही सुना होगा, लेकिन ये सच्चाई है। थाईलैंड का फल इंडिया में थाई एप्पल बेर के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में इसको जुजुबी भी कहते हैं। और एप्पल बेर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एप्पल बेर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। इससे एक बार फसल लेने के बाद करीब 15 साल तक फसल ले सकते हैं। कम रखरखाव और कम लागत में अधिक उत्पादन के कारण किसान इसकी खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं एप्पल बेर की खेती के लिए उपयुक्त भूमि और उर्वरक के बारे में। भूमि और उर्वरक। बेर की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, सर्वोत्तम मानी जाती है। हल्की क्षारीय व हल्की लवणीय जमीन में भी इसकी खेती कर सकते हैं। बेर में कम पानी और सूखे से लड़ने की विशेष क्षमता होती है। बेर में देसी खाद सुपरफास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग करें। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यूरिया की आधी मात्रा जुलाई में पेड़ों के फैलाव के हिसाब से अच्छी तरह मिलाकर सिंचाई करें। बची नाइट्रोजन की आधी मात्रा नवंबर में फल लगने के बाद दें। खेती से हताश किसानों की तकदीर एप्पल बेर संवार सकता है। अगर एप्पल बेर के पौधे लगाएं तो एक साथ 2 लाख कमा सकते हैं। एक बार पौधा लगाकर हर साल फल ले सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। पेड़ पर साल में एक बार फल आते हैं और लाखों का मुनाफा दे जाते हैं। इसके साथ ही दूसरी फसल से साल में 2 से 3 बार मुनाफा ले सकते हैं। आप इस खेती के साथ मिर्च, धनिया, अश्वगंधा की भी खेती कर सकते हैं और इस तरह आप एक साथ 4 फसल प्राप्त कर सकते हैं। इस खेती से किसान एक साल में 1 बीघा में 1 लाख रुपए कमा सकता है। बारिश में अपने आप पेड़ में पत्तियां आ जाएंगी और दिसंबर में फल आने लगेंगे। बेर के पेड़ लगाकर हर साल किसान मुनाफा कमा सकते हैं और बेर किसानों को लखपति बना सकता है। एक बार बेर का पौधा लगाकर किसान हर साल मुनाफा कमा सकता है। आइए अब एप्पल बेर के उन्नत किस्मों के बारे में जान लेते हैं। किस्में। अगेती किस्मों में गोला और काजरी गोला है। अगेती किस्मों के फल 15 दिसंबर से पकना शुरू होते हैं और जनवरी के अंत तक चलते रहते हैं। मध्यम किस्मों में सेब, कैथली, छुहारा, दंडन, सेन्यूर 5, मुंडिया, गोमा कीर्ति होती है। मध्य किस्मों के फल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक रहते हैं। पछेती किस्मों में उमरान, काठा, टिकड़ी, इलायची प्रमुख होती हैं। किसान भाइयों, एप्पल बेर का पेड़ लगाने के 4 महीने बाद इसमें फल आना शुरू हो जाता है और पहली बार फल प्रति पेड़ में 2 से 5 किलो, दूसरी बार में प्रति पेड़ 20 से 40 और 5 साल बाद प्रति पेड़ में 1 से 1.25 क्विंटल फल आते हैं और इसके लिए सीकर का क्षेत्र अनुकूल है। ये -डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान भी सहन कर सकती है और अप्रैल महीने में इसके पेड़ को नीचे से गन्ने की तरह काट दिया जाता है। दिसंबर तक इसके फलों को बाजार में सप्लाई किया जा सकता है और यह बेर 60 से 120 ग्राम वजनी होता है। सेब व बेर के मिश्रित स्वाद वाले फल की मांग इंदौर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई समेत बड़े शहरों में बढ़ रही है। बेर के खरीदार अधिकांश निजी कंपनियां हैं, वे इन्हें विदेशों में निर्यात करती हैं। इसके आकर्षक रूप और स्वाद के कारण स्थानीय बाजारों में इसकी मांग बढ़ रही है। आइए अब एप्पल बेर की खेती के लिए खेत की तैयारी की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खेत की तैयारी। एप्पल बेर के खेत की तैयारी मई महीने में शुरू करें। 5 मीटर की दूरी पर वर्गाकार विधि से रेखांकन करके गड्ढे खोदें। गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 20 से 25 किलो देसी खाद और 10 ग्राम फिप्रोनिल हर गड्ढे में डालें।
जब पहली बारिश हो और गड्ढों की मिट्टी जम जाए तब इसमें पहले से कल्कियान किए पौधों को प्रत्यारोपित करें। प्रत्यारोपण करने के लिए पॉलीथीन की थैली को एक तरह से ब्लड से काटकर जड़ों वाली मिट्टी को यथावत रखते हुए पॉलीथीन को अलग करें। अलग करने के बाद पौधों को मिट्टी के साथ गड्ढों के बीच में लगाकर पौधों के चारों तरफ की मिट्टी अच्छी तरह दबाकर सिंचाई करें। अगले दिन 10 लीटर पानी प्रति पौधा दोबारा देना चाहिए। बारिश की स्थिति को देखते हुए जरूरत के अनुसार 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। सर्दी के मौसम तक पौधे अपने आप स्थापित हो जाते हैं, तब 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। थाई एप्पल बेर झाड़ी नुमा एक पेड़ है। इसकी पत्तियां, लकड़ी, जड़ें और फल सभी उपयोगी हैं। इसकी पत्तियों का उपयोग प्रोटीन युक्त चारे के रूप में किया जाता है, जो बकरी आदि पशुओं को खिलाया जा सकता है। इसकी लकड़ियां ईंधन का काम करती हैं, साथ ही इसकी जड़ें भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। तो किसान भाइयों, ये तो थी एप्पल बेर से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको अजोला फर्न क्या है, इसकी खेती के तरीकों के साथ साथ इसके फायदों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में। किसान भाइयों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप एप्पल बेर की खेती करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम आपको पशुओं के लिए पौष्टिक चारा यानी कि अजोला फर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। कृषि और पशुपालन का चोली दामन का साथ है, लेकिन भारत में पशुओं को साल में 8 से 9 महीने अपौष्टिक सूखा चारा ही नसीब होता है। दरअसल साल के कम 2/3 समय देश के सभी क्षेत्रों में हरे चारे की किल्लत रहती है और किसान अपने पशुओं को सुबह शाम धान का पुआल या अन्य अपौष्टिक सूखा चारा ही दे पाते हैं। और इसके चलते पशुओं में तेजी से बढ़ती कुपोषण की समस्या के कारण आज हमारे यहाँ प्रति पशु प्रतिदिन का दूध उत्पादन 1 लीटर या इससे भी कम है और इसी वजह से दुग्ध उत्पादन घाटे का व्यवसाय होता जा रहा है और जिससे किसानों में पशुधन के प्रति मोह भंग होता देखा जा सकता है। इस पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। दुधारू पशुओं को प्रतिदिन कम से कम 2 किलो दाने की आवश्यकता होती है। पशु आहार के विकल्प में अजोला का चारे के रूप में उपयोग हो सकता है। दूध की बढ़ती मांग के लिए आवश्यक है कि पशुपालन व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि पशुपालन में दाने चारे में आने वाली लागत को कम करना होगा। इसमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त अजोला की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पशु आहार में अजोला फर्न के महत्व को बताया है बक्शी का तालाब स्थित चंद्रभानु गुप्ता कृषि महाविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने। इसका महत्व तो पशुओं को अजोला चारा के रूप में खिलाने के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसा आप लोगों को बता दें, अजोला में प्रोटीन आवश्यक और अमीनो अम्ल एसिड और विटामिन ए, विटामिन B12 तथा बीटा कोरोटीन एवं खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम आदि प्राचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पशु के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और अगर पशु में बाझपन या अन्य बीमारियां जो होती हैं, अजोला से ठीक किया जा सकता है।
दरअसल अजोला तेजी से बढ़ने वाली एक प्रकार की जलीय फन है जो पानी की सतह पर तैरती रहती है और धान की फसल में नील हरित काई की तरह अजोला की भी हरी खाद के रूप में उगाया जाता है और कई बार ये खेत में प्राकृतिक रूप से भी उग जाता है। इस हरी खाद से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। अजोला में उच्च मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। आमतौर पर अजोला उथले पानी और धान के खेत में पाई जाती है। अजोला को आप आसानी से खेत, तालाब और आंगन में उगा सकते हैं। अजोला उगाने के तरीके पर हमारे संवाददाता उमंग पांडे ने खास बातचीत की है चंद्रभानु गुप्ता कृषि महाविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह से। तालाबों में उगने वाली अजोला फर्म हमारी खेती और पशुओं के लिए कितनी लाभदायक है, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर शैलेश कुमार मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं अजोला फर्म के बारे में विस्तार से। किसान भाइयों को नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह आप लोगों को अजोला के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि इसका तरीका जैसे कि हमारे किसान भाई अपनाते हैं आजकल, ये हमारे धान के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। और इसका तरीका ये होता है कि इसको हम छायेदार स्थान पर उगाते हैं और इसके लिए 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है और बाद में इसे प्लास्टिक से ढक देते हैं और इसको सीमेंट की जो टंकियां बनाई जाती हैं उससे भी उसमें भी इसको हम उगा सकते हैं, उसके में टंकियों में भी सीमेंट के उसमें ले सकते हैं। और इसी प्रकार से ये हमारे धान की फसल के लिए मुख्य रूप से अच्छा माना गया है और इसकी खेती के लिए हम अजोला को अपनाते हैं। और अधिक से अधिक जहाँ पर पानी होता है, तालाब हैं या अन्य चीज़ें हैं, वहाँ पर इसको हम विशेष रूप से लेते हैं। जैसा कि डॉक्टर शैलेश ने बताया कि अजोला फर्म पशुओं और धान के खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ उमंग पांडे, लाइव टुडे, लखनऊ। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित होता है कि जब पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15-20% वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ इसे खाने वाली गाय भैंसों की दूध की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो जाती है। प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय भी बहुत प्रचलित है। अजोला बेहद सुपाच्य होता है और ये मुर्गियों का भी पसंदीदा आहार है। कुक्कुट आहार के रूप में अजोला का प्रयोग करने पर ब्रॉयलर पक्षियों के भार और अंडा उत्पादन में भी वृद्धि पाई जाती है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि अजोला पशुओं को किस TRS से लाभ पहुंचता है। अजोला चारा के लाभ। अजोला सस्ता और पौष्टिक पशु आहार है। अजोला खिलाकर पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। अजोला पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है। अजोला पशुओं के पेशाब में खून की समस्या को दूर करता है। अजोला से पशुओं में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहे की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो किसान भाइयों, ये तो थी अजोला फर्म यानी पशु आहार से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारी। अगर आपको खेती किसानी या पशुपालन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको किसानों द्वारा पूछे गए खेती से जुड़े सवालों से रूबरू कराएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारी फसलों, फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया है। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो सके, इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है, जिस पर हमें किसानों की ओर से सराहना तो मिली ही है, साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए हमसे संपर्क भी किया है और कई किसान भाइयों के सवालों का हमने अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया है। कुछ ऐसा ही सवाल आज हम आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल है जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा है और उसका जवाब जानने की कोशिश की है। अमृतसर के रहने वाले किसान भाई बलजिंदर सिंह ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी है। उनका क्या सवाल है, आइए जानते हैं। आपका सवाल, 1 एकड़ में प्याज की कितनी उपज प्राप्त हो सकती है? हमारा जवाब, बलजिंदर जी, 1 एकड़ में प्याज की लगभग 100 क्विंटल उपज प्राप्त हो सकती है। भूमि, प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है। उचित जल निकास व जीवांशयुक्त उपजाऊ दोमट और बलुई दोमट भूमि उत्तम होती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच सर्वोत्तम होता है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली भूमि में नहीं उगाना चाहिए। बलजिंदर जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल के बारे में। लखनऊ के रहने वाले किसान भाई मनोज शुक्ला ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क करके अपनी समस्या रखी है। उन्होंने हमसे जानना चाहा है। आपका सवाल, पपीते की खेती के बारे में जानकारी दीजिए। हमारा जवाब, मनोज जी, पपीते के बीज को बोने का समय जुलाई से सितंबर और फरवरी मार्च होता है। बीज अच्छी किस्म के अच्छे और स्वस्थ फलों से लेने चाहिए। बीजों को क्यारियों, लकड़ियों के बक्सों, मिट्टी के गमलों और पॉलीथीन की थैलियों में बोया जा सकता है। क्यारियां जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। जब पौधे 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं, तो उन्हें क्यारी से पॉलीथीन में स्थानांतरित कर देना चाहिए। मनोज जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। बरेली के रहने वाले किसान भाई भानु प्रताप ने भी हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर अपनी समस्या रखी है। उनका सवाल है। आपका सवाल, मटर की पत्तियों पर लार्वा का प्रकोप होने पर किस प्रकार इसका रोकथाम किया जा सकता है? हमारा जवाब, भानु जी, मटर की पत्तियों पर लार्वा का आक्रमण होने से पत्तियों पर सफेद रंग की टेढ़ी मेढ़ी नालियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए पत्तियों पर 0.05% मिथाइल पाराथोन का छिड़काव करना चाहिए। प्रकोप दोबारा दिखाई पड़े तो उपचार को 15 से 20 दिन के बाद फिर दोहरा देना चाहिए। भानु जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे थे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर संपर्क करते रहेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।